नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म रोजगार प्रवीण पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम मैथ का एक गजब कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसका नाम है रास्ते का क्षेत्रफल, एक अलग अंदाज में बिगर सूत्रों की सहायता से। देखिएगा दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ लाइक कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंटरटेनमेंट करते हुए वीडियो में कमेंट कीजिएगा। देखिएगा आज का जो पाठ है हमारा रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल समझ लीजिए दोस्तों, रास्ते को क्षेत्रफल को हमने दो तीन कंडीशन में बांटा हुआ, एक तो वर्ग की कंडीशन में है और एक आपका आयत की कंडीशन में है और एक है आपका वृत्त की कंडीशन में है। इतना आप समझ गए होंगे। वर्ग की कंडीशन वाले आप सभी क्वेश्चनों को समझ लीजिए। जैसे ये कोई क्वेश्चन है, वर्ग की चारों ही भुजा आपस में बराबर होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब एक जैसी होती हैं, इसकी ऊंचाई नहीं होती, इसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, इसकी लंबाई किसी को भी मान लीजिए, चौड़ाई किसी को भी मान लीजिए, ये चौकीदार ऐसे कदर से घूम रहा है, इसकी परिधि होती है और वर्ग की कंडीशन पर जो भी बाड़ लगाई जाती है या पैसा खर्च किया जाता है वो उसकी परिधि या क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग ही पैसा खर्च किया जाता है। जैसे आप समझिएगा, जैसे इसकी लंबाई है ए और चौड़ाई भी है ए, इसको ए मान के चलिए, चौड़ाई भी इसकी क्या है ए है और इसने लंबाई के अकॉर्डिंग कोई रास्ता बनाया है। किसके अकॉर्डिंग कोई रास्ता बनाया है? लंबाई के अकॉर्डिंग। इस कदर से गया है तो आप समझ लीजिए, इस कदर से तो लंबाई यही है। और आपको दिखा देता हूँ क्लियर करके, जैसे मैं आयत से कंफर्म करता हूँ, जैसे इस कदर से तो ये लंबाई है और इसी को इस कदर से भी दिखा दिया जाए तो ये क्या है आपकी चौड़ाई है, ये चौड़ाई है ये वाला और ये आपकी लंबाई के अकॉर्डिंग है। किसके अकॉर्डिंग है? लंबाई के अकॉर्डिंग। तो इसको मैंने मान लिया है थोड़ी देर के लिए ए, ए जो है रास्ते के बीच की दूरी है या रास्ते के बीच की लंबाई है या रास्ते के बीच की चौड़ाई है, रास्ते की चौड़ाई है, आप समझ गए होंगे। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? इसको निकालने का तरीका यह है कि लंबाई के अकॉर्डिंग है तो लंबाई ले लीजिए और चौड़ाई के अकॉर्डिंग है तो चौड़ाई ले लीजिए, यानी इसका क्षेत्रफल ए इंटू ए माइनस का लंबाई के अकॉर्डिंग ए इंटू ए। समझ गए होंगे आप। इसको मैं क्वेश्चन इस पर डाल के समझा देता हूँ इसी को। जैसे मान लो ये कोई क्वेश्चन ऐसे ही है, तो एल ये होता है, ये बी होता है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, यही रास्ता मैं इस पर दिखा रहा हूँ, इस कदर से ये रास्ता निकला और ये रास्ते की बीच की चौड़ाई है जिसको हमने मान लिया ए। तो बीच की जो चौड़ाई है पूछता है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, जो खाली जो दिखता है एरिया आपको दिख रहा उसी का क्षेत्रफल पूछता है क्वेश्चन में है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड आयत का है एल इंटू बी माइनस का जिसके अकॉर्डिंग दिया उसी के अकॉर्डिंग गुणा करा देंगे, एल इंटू ए, लंबाई के अकॉर्डिंग दिया तो लंबाई पे लेंगे और चौड़ाई के अकॉर्डिंग दिया है तो चौड़ाई पे लेंगे। इतना आप समझ गए होंगे, ये आयत का फंडा है पूरा ये। और वृत्त क्या कहता है? वृत्त में दो कंडीशन लागू होती हैं, एक तो अंदर बनता है रास्ता और एक बाहर बनता है रास्ता। इसको भी आप कंफर्म कर लीजिए। अंदर के लिए जैसे मान लीजिए कोई वृत्त कह देगा कि एक वृत्त है और जिसकी त्रिज्या व्यास बोलेगा, इसमें व्यास जो होता है वो त्रिज्या का आधा होता है, व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दूना होता है और त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है।
जैसे समझ लीजिए इसके अंदर कोई एक और सर्कल खींचता, इसी के हिसाब से रास्ता बनाना चाहता है, सर्कलाकार है, इस कदर से ही रास्ता बनाना चाह रहा है ये। तो यहां जो कहेगा ये इसके बीच की मोटाई कह सकते हैं या रास्ते की चौड़ाई कह सकते हैं, इसको ही इसको ए से दिखा दीजिए, ये रास्ते की चौड़ाई है। चौड़ाई या फिर मोटाई, इतना आप समझ गए होंगे। और ये इसका केंद्र होता है। अगर वो कहता है कि इस व्रत अंदर बोला है ना रास्ता इसका अंदर, तो इसका मतलब कंप्लीट व्रत ये वाला है हमारा। वो कहेगा कि इसकी त्रिज्या, पूरी त्रिज्या देगा वो, जैसे कह दिया उसने 20 मीटर की है, ये पूरी है आपकी 20 मीटर की, और कह देगा कि रास्ते की मोटाई दी हुई है उसमें कितनी, 2 मीटर की, 2 मीटर की रास्ते की मोटाई दी हुई है। तो आप जानते हो दोस्तों, जब ये यहां से लेकर के यहां तक की 2 मीटर है और पूरी 20 मीटर है, तो ये कितनी होगी फिर, 18 मीटर की होगी। समझ गए होंगे आप, कितनी होगी ये, 18 मीटर की होगी, इतना कन्फर्म हुआ होगा, आपकी समझ में आया होगा। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, जब ये दिया हुआ है तो इसको निकालने के लिए अंदर का जो क्षेत्रफल है, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे बड़े वाले क्षेत्रफल में से अंदर वाला क्षेत्रफल हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो आपका आंसर क्लियर होके आ जाएगा, आप समझ गए होंगे, आंसर कन्फर्म होके आपका आ जाएगा। जैसे इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसको कैपिटल आर मान लो, बड़ा वाला क्षेत्रफल कह सकते हैं उसको, और इसमें से छोटा वाला घटा देंगे तो बीच का जो एरिया दिख रहा है ये सफेद सफेद सा, ये पूरा निकल के आएगा पाई आर वन का स्क्वायर, या स्मॉल आर मान लीजिए अंदर का, तो पाई तो दोनों में कॉमन पड़ रहा है, अंदर रह जाएगा आर स्क्वायर बड़ा वाला, तो त्रिज्या यही है, केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। तो बड़ी वाली त्रिज्या कितनी है, 20, तो 20 का वर्ग माइनस, या छोटी वाली त्रिज्या छोटी कितनी, 18 का वर्ग। अब एक बार ये फॉर्मूला बन जाता है, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, इसको हल करने का तरीका ये होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, जब एक बार इसको माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, प्लस करोगे तो आपका 38 हो जाएगा, तो 38 और पाई पीछे लगा हुआ है, कितना हो जाएगा, 38 × 8 × 16, 3 × 6 = 7 बराबर 76 पाई, ठीक है ना, मीटर स्क्वायर। अगर मीटर में दिया हुआ तो मीटर स्क्वायर, या सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। आप समझ गए होंगे, कन्फर्म समझ में आ गया क्या ना है? अगर उसने आंतरिक जो दिया हुआ है रास्ता बनाने के लिए, तो हम कैसे निकालेंगे, बाहर का क्षेत्रफल माइनस अंदर का क्षेत्रफल जो बच जाता है, वही हमारा बीच का रास्ते का जो फिक्स क्षेत्रफल जो होता है वो निकल के आता है। आप समझ गए होंगे इस बात को, आगे समझिएगा दोस्तों, बाहर का भी ऐसे ही है सेम टू सेम। और अब इस पर और बात करते हैं, ये रास्ते जो है, अब रास्ते की चेंजिंग करते हैं, यहाँ से रास्ते कई कदर से पूछता है, इसको समझ लीजिए, यही आयत है आपका, और इसमें कह रहा है कि रास्ता आप जो होना चाहिए वो चौड़ाई के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये तो लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है, तो चौड़ाई के अकॉर्डिंग रास्ता मान लो, ये इसको मान लिया या ए, या कैपिटल ए ही मान लो अगर ए से दिखा रहा है, तो इसको निकालने का तरीका ये होता है कि पूरे आयत का क्षेत्रफल, तो लंबाई इंटू चौड़ाई माइनस चौड़ाई के अकॉर्डिंग, और ये रास्ता दिया हुआ है तो बी इंटू ए, ये आपका शेष भाग जो बच रखा है उसका क्षेत्रफल निकल के आ जाता है। ये पहला क्वेश्चन है आपका, ये दूसरा है, तीसरा क्या कहता है इसमें, तीसरा ये भी तो हो सकता है कि कोई आयत दिया हुआ है, कोई मन करता है जैसे घर में 4 लोग रहने वाले हैं तो चारों अलग अलग रास्ता मांगते हैं, ये तो आपका रास्ता हो गया लंबाई के अकॉर्डिंग, और एक कह रहा है कि नहीं मुझे चौड़ाई के अकॉर्डिंग रास्ता चाहिए, तो एक रास्ता हो गया इसमें चौड़ाई के अकॉर्डिंग, यानी इसमें 2 कंडीशन लागू है, ये वाली और ये वाली। ये बीच में जो पॉइंट है ये दोनों तरफ से ही कट रखा है, इधर से भी कटा है और इधर से भी कटा है, इसका मतलब क्या है कि एक संख्या ही 2 बार काउंटिंग हुई है। वो कह देगा कि एक आयत के रास्ते की चौड़ाई 2 मीटर है और इसको चारों तरफ से रास्ता दिया जाता है, यदि इसकी लंबाई इतनी और चौड़ाई इतनी है तो बताइए जो रास्ता बचा हुआ है उसका क्षेत्रफल क्या, जो एरिया दिख रहा है इनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे,
मान लिया जाए कि इसकी जो है मोटाई जो है ए है और इसकी भी मोटाई कितनी ए है, तो ए यहाँ की ए यहाँ की, तो ये क्या हो जाएगा ए इंटू ए नहीं बनेगा क्या, क्या बन जाएगा ए इंटू ए, समझ रहे हैं आप, ए इंटू ए क्या हो जाएगा, इसको फाइनल दिखा दिया जाए, इसका गुणा करके क्लियर कर देते हैं ए स्क्वेयर, क्योंकि यही कंडीशन इधर है और यही कंडीशन इधर है, तो क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू ए प्लस चौड़ाई इंटू ए माइनस के दोनों बार जो डबलिंग हुई है उसका गुणा ए इंटू ए, समझ गए होंगे आप, लंबाई के अकॉर्डिंग हमने ले लिया है, चौड़ाई के अकॉर्डिंग भी ले लिया है, माइनस में ए इंटू ए डबलिंग में ले लिया है, समझ गए, यही आपका रास्ते का क्षेत्रफल जो बच रखा भाग का क्षेत्रफल यही होता है। और अगर इसमें पैसे की नाप तोल पुताई बुताई करने के जो खर्चे आते हैं वो डायरेक्ट इसमें गुणा कर दोगे निकालने के बाद, तो आपका खर्चा कंप्लीट हो जाता है। अब आगे और क्वेश्चन समझिएगा, इसके आगे क्या कहता है, इसका चौथा क्वेश्चन क्या कहता है इसी पॉइंट का, सेम पैटर्न इसका यही है, सेम इसका भी यही है, आप इसको करो या मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इससे ही कर लो तो भी हो जाएगा। इसका चौथा क्वेश्चन जो कहता है उसको एक नंबर फिर से मान लो, चौथा ही मान लीजिए, चौथा क्वेश्चन ये कहता है कि आयत के बाहर का क्षेत्रफल भी तो पूछ सकता है, बाहर का क्षेत्रफल यानी बाहर का मतलब क्षेत्रफल का मतलब बाहर रास्ते का क्षेत्रफल, कहां पे बाहर रास्ते का यानी रास्ते का, इसको हम कैसे करेंगे, देख रहे हैं बाहर का क्षेत्रफल यानी बाहर रास्ते का क्षेत्रफल हमको कैसे निकालना है। जैसे देखिएगा दोस्तों, जैसे कोई ये आयत बना हुआ है इस कदर से और कह रहा है कि इसकी लंबाई तो दी है 10 और चौड़ाई दी है इसने 8 और कह रहा है कि इसके चारों तरफ बाहर से 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया है, 2 मीटर हर कंडीशन में 2 मीटर चौड़ा दिया है इसने, तो यहाँ भी 2 मीटर चौड़ा है ये, इनको थोड़ा अंदर ले लीजिए 10 और इसको अंदर ले लीजिए 8, आप समझ गए होंगे। अब बाहर का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, आपको पता है कि जब ये चौड़ाई ये वाली है तो ए भी भुजा तो यहीं ऐड कर दी जाए तो 2 यहाँ भी तो हो सकता है, 2 यहाँ भी हो सकता है, 2 और 2 कितना हो गया 4 और 8 कितने होते हैं भाई 12, यानी बाहर की जो चौड़ाई वो हो गई 12, अंदर की देख लो भाई, अगर इस भुजा को मैं यहाँ ले लूँ थोड़ी देर के लिए डॉट डॉट करके तो 2 यहाँ भी तो होगा, ये 2 ये 2 ये और 10 ये कितना हो जाता भाई 14। तो बाहर का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बाहर का ही एल इंटू बी यानी 14 इंटू 12 आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, 14 दूनी 28 की 8 हासिल 2, 14 एकम 14 2 16, अगर आंसर आपका मीटर में दिया तो मीटर, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में आपका आंसर क्लियर हो जाता है। अब हम देखते हैं अंदर का क्षेत्रफल, अंदर रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालें, जैसे कोई ये आयत बना हुआ है और इसकी लंबाई दी हुई है 15 और इसकी लंबाई दी हुई है 12 और कह रहा है कि इसके अंदर चारों तरफ एक समान मोटाई का रास्ता यानी जिसकी मोटाई है चौड़ाई है 2 मीटर की, कितने की है 2 की, तो फिर यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, तब कह रहा है कि अंदर जो शेष भाग जो बच रखा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो देख लो भाई इसको कैसे ज्ञात करेंगे, अंदर निकालने के लिए आप जानते हो कि पूरा 15 है और इसमें 2 और 2 अंदर ये चला गया भाई, इसको अगर यहाँ सीधे सीधे देखा जाए, इसको थोड़ी देर के लिए अगर मैं डॉट डॉट करके पूरा कर दूं तो 2 एरा 2 एरा टोटल कितना है 12, 12 में 2 2 4 चला गया तो कितना रह जाएगा ये 8, कितना रह जाएगा 8। अब लंबाई भी निकाल लो इसकी, 2 इधर से 2 इधर से, पूरी लंबाई में 15 बीच में है, 2 इधर के 2 इधर के कितने होते हैं 4 और 15 टोट ये बीच की है तो 15 में से 4 गए तो कितने बचेंगे भाई देख लीजिए 11, समझ गए होंगे आप, इसको निकालने के लिए होता है बाहर का क्षेत्रफल माइनस अंदर का क्षेत्रफल,
आप समझ गए होंगे, बाहर का क्षेत्रफल ये है 15 × 12, 15 × 12, अंदर का क्या हो जाएगा 11 × 8, 11 × 8 = 88, 15 × 2 = 30 का शून्य हासिल 3, 15 × 1 = 15 और 3 कितने होते हैं 18, 180 हो गया, 180 में से 88 घटा दीजिए भाई, 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा और 17 में से 8 गया तो 9 बचेगा, 9 × 8 = 17 यानी 92, कितना बचेगा भाई 92, अगर मीटर में है तो मीटर में मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आप समझ गए होंगे ये हमारा रास्ते का क्षेत्रफल एक बार क्लियर कर लीजिए। आप बरक को लगाने की कोई जरूरत नहीं, आप आयत से ही कन्वर्ट कर सकते इस क्वेश्चन को पूरे को, आयत तो बरक का नियम एक ही है, बस उनके फॉर्मूलों पर डिफरेंस आता है। जैसे समझ लीजिए ये जो बीच में दिया है हमने हर जगह ए माना है, तो ये रास्ते की मोटाई है, रास्ते की मोटाई, समझ गए होंगे आप इसको क्लियर। अब वो कह रहा है कि एक आयत में जिसकी लंबाई की तरफ से रास्ता बनाया दिया गया है, जिसकी लंबाई रास्ते की मोटाई है ए, तो आप इसको कैसे निकालोगे, अगर लंबाई के अकॉर्डिंग रास्ता है तो लंबाई इंटू ए, और चौड़ाई के अकॉर्डिंग रास्ता है तो चौड़ाई इंटू ए, ए का मतलब है रास्ते की मोटाई, और लंबाई और चौड़ाई दोनों की तरफ रास्ता निकाला गया है तो आप जानते हो लंबाई के अकॉर्डिंग रास्ता और चौड़ाई के अकॉर्डिंग रास्ता का योग, और जो आपकी रास्ता दिया है रास्ता इंटू रास्ता, क्योंकि एक रास्ता ऐसे भी है और एक रास्ता ऐसे भी है, दोनों रास्तों ने यहाँ पर कट किया है, इस वजह से रास्ता फर्स्ट रास्ता सेकंड मान करके हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। आप क्वेश्चन समझ गए होंगे और आपको अच्छा लगा होगा ये। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक बार सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलिएगा मेरे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।